नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज बात करेंगे डीमैट अकाउंट के बारे में, लेकिन उससे पहले जैसे कुछ सब्सक्राइबर के मैसेज आए थे कि हमें आपकी वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ तो उसके पास में बेल बटन है, जो घंटी का बटन है, उस पर भी क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको इंस्टेंट उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट क्या होता है और क्या यूज में आता है? डीमैट अकाउंट की फुल फॉर्म होती है डीमैटरलाइज्ड अकाउंट। डीमैटरलाइज्ड का मतलब होता है फिजिकल सेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको उसमें होल्ड करना। डीमैट अकाउंट का यूज शेयर्स और जो सिक्योरिटीज होती है उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करने के काम आता है। इसके अंदर आप शेयर्स है, कंपनीज के शेयर्स हैं, यूली पॉलिसीज है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड है, म्यूचुअल फंड्स है, बॉन्ड है, इन सब को आप इसके अंदर इजीली होल्ड कर सकते हैं। इंडिया में दो डिपॉजिटरीज हैं, NSDL और CDSL, जो कि यह सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। लेकिन जो इंटरमीडिएट हैं, जो ब्रोकर हैं, जैसे कोटेक सिक्योरिटीज़ है, जीरोधा है, मोतीलाल ओसवाल है, यह एक नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं। डीमैट अकाउंट के कई बेनिफिट हैं, जैसे इसके अंदर आपके शेयर्स का जलने का, कटने का, चोरी होने का, गुम होने का ऐसा कोई भी डर नहीं रहता है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर डीमैट अकाउंट में सेव रहते हैं। पहले के टाइम में जैसे फिजिकल के अंदर शेयर्स मिलते थे तो उन समय ऐसा डर रहता था, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको आप इजीली होल्ड कर सकते हो, आपके डीमैट अकाउंट के अंदर ही होल्ड रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे पहले फिजिकल शेयर्स के टाइम में आपको इनको लॉकर खुलवाना है, वहाँ पर सेव करना है या घर में कहीं सेव करना है, ऐसा आपको ऐसी कोई भी आपको टेंशन नहीं होती है। इसके अंदर टाइम सेविंग होती है, आप इनको इजीली सेल, इजीली बाई कर सकते हैं, उसके अंदर कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आप इंस्टेंट इनको विद इन सेकेंड्स सेल कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स बाई कर सकते हैं। पहले के टाइम में आपको फिजिकल सेट्स की डिलीवरी के लिए वेट करना पड़ता था। आप उनको इजीली मैनेज कर सकते हैं, उसमें भी कोई आसानी नहीं है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डीमैट टू डीमैट अकाउंट आप इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अंदर नॉमिनेशन फैसिलिटी होती है, अगर आपको साथ कभी कोई अनहोनी हो जाए तो जो भी आपका नॉमिनी होता है उसको पूरा के पूरे जो भी आपकी होल्डिंग है उनको मिल जाती है। डीमैट अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? मोस्टली दो टाइप के डीमैट अकाउंट होते हैं। इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके अंदर आप इक्विटी, कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शन में और फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा कमोडिटी ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके अंदर आप गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और बाकी जो कमोडिटीज है उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं जीरोधा अकाउंट ओपनिंग का लिंक शेयर कर रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी जीरोधा में अगर अकाउंट खुलाना चाहे तो आप उस लिंक के थ्रू ये अकाउंट खुला सकते हैं। डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कराते हैं? तो डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता होती है। मोस्टली आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक आपकी फोटो और कैंसिल चेक, या फिर आप 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट के साथ इसको ओपन करा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बुलिश, बेरिश, लॉन्ग एंड शॉर्ट, इन टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, सीखेंगे इनका क्या मीनिंग होता है, ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।